नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अगर आपका पेट फूलता है तो कौन से देसी नुस्खे आपको अपनाने चाहिए। गर्मियों के मौसम में पाचन तंत्र की समस्या ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कब्ज या गैस बन रही है पेट में तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं घरेलू औषधियों के द्वारा। आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए सबसे पहला प्रयोग जानते हैं। अगर आपका पेट फूलता है तो पानी खूब पिएं। दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीने से डाइजेशन बेहतर रहता है और पेट फूलने से आपको राहत मिल जाती है। इसके अलावा आपका पेट फूल रहा है तो नमक को कम कर दें। जी हाँ, नमक में सोडियम होता है जो लिक्विड को सोख करके पेट को फुलाता है, इसीलिए नमक का सेवन कम कर दें और अजवाइन खाएं। जी हाँ, इसकी नेचुरल डायुरेटिक क्वालिटी पेट में जमा एक्स्ट्रा पानी और गैस को निकाल देती है, इसीलिए अजवाइन का सेवन अवश्य करें। इसके अलावा पोटेशियम रिच फूड्स का सेवन भी करते रहें, जैसे कि केला, पालक, पपीता, ऑरेंज, टमाटर जैसे फूड खाने से सोडियम बैलेंस होता है, इसीलिए इनका सेवन अवश्य करें और दही खाएं। जी हाँ, इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया आंतों में फंसी गैस को निकाल देते हैं, इसीलिए इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा चाय कॉफ़ी को कम कर दें। इनमें मौजूद कैफीन और पॉलीफिनॉल्स गैस्ट्रिक एसिड बना करके पेट को फुलाते हैं, इसीलिए इनका सेवन कम कर दें। इसके अलावा सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स को ना कह दें। जी हाँ, इनमें मौजूद एसिडिक क्वालिटी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट फुलाती है। इसके अलावा फाइबर वाले फूड्स का सेवन स्टार्ट कर दें, जैसे कि ओटमील, दलिया जैसे फाइबर रिच फूड्स खाने से पेट साफ रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए इनका सेवन स्टार्ट कर दें। आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके लिए गुणकारी सिद्ध होगा। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन नियमों का पालन, अगर आपका पेट फूलता है तो आपको इन उपायों को अपना करके पेट के फूलने की समस्या को दूर करना चाहिए, क्योंकि कब्जियत और पेट में गैस बनने की समस्या बहुत भयावह होती है, क्योंकि पेट से ही हमारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है, यानी कि नियंत्रित नहीं कहें, पोषित होता है कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पोषण मिलता है पूरे शरीर को, आप कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है पेट में और इसके बाद ही आपके शरीर को पाचक रस मिल पाते हैं। अगर डाइजेशन ही सही नहीं होगा तो आपके फंक्शन सारे कार्य करने बंद कर देंगे। डाइजेशन को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग हमने आपको बताया, इनको अपना करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज की जानकारी रही। कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँच पाए। और ये तभी संभव है जब आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे। आपका एक लाइक, शेयर एंड कमेंट बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सकता है, इसीलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।